यक भाई, कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटियों में से एक। यक भाई का मतलब है खतरे वाली जगह। ये माउंटेन डिस्ट्रिक्ट रेजी खान के ट्राइबल एरिया में वाकई है और इसकी हाइट यहाँ के मलका कोहसार से भी 1000 फीट ज्यादा है। सो हम 3 अनाड़ियों ने मिलके यक भाई जाने का फैसला किया और फिर सुबह के 6:30 बजे हम तीनों सामान वगैरह उठाते हैं और यक भाई की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने टैंक फुल करवाया क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा था और वहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। उसके बाद जी हम पुल डॉट पर रुकते हैं, यहाँ हल्का पुल का नाश्ता करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। इस रास्ते पर ट्रक्स की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि यही रास्ता आपको बलूचिस्तान से भी कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सीन ये जी, हम लोग पहुंच गए हैं पीर लाले वाला पे और यहाँ पे नूडल्स की तलाश जारी है क्योंकि हमने एक रात स्टे करना है और वहाँ खाने पीने को कुछ होगा नहीं। खाने को लेके भी जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए नूडल्स अगर हों तो गुजारा चल जाएगा। जी यहाँ से अब यक भाई जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप जा सकते हैं फोर्ट मंडलू के रास्ते से और दूसरा यहाँ से राइट मोड़ के आप जा सकते हैं सखी सर्वर के रास्ते से। फोर्ट मंडलू से हम लोगों ने जाना इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर निस्बतन कम ट्रैफिक पाई जाती है। और अगर किसी नूडल्स लेनी हो तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से ज़रूर नूडल्स लेके जाए। ये सखी सर्वर का जो पहाड़ी सिलसिला है ये निस्बतन बहुत खुश्क और गर्म पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पे बारिशें भी कम होती हैं फोर्ट मंडलू की निस्बत और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। हाँ जी, तो हम यक भाई के रास्ते पे रवा दवा हैं। यहाँ का खूबसूरत मंज़र आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये है जी सखी सर्वर के पहाड़। नीचे आप देख सकते हैं कोई दरबार बनी हुई है। थोड़ा फ्रेश होते हैं, पानी शानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। और अभी यक भाई टॉप बहुत आगे है, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं फ्रेश होने के लिए। पानी किधर है? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम अपने सफ़र का फिर से आगाज़ करते हैं और ये तकरीबन हम सखी सर्वर की जो पहाड़ी हैं पहाड़ी सिलसिला उसको हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके होते हैं यहाँ पे।
और अब हम अपना इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप का। और हर थोड़े बहुत सफ़र के बाद हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल के करीब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही सख्त सफ़र होता है, ख़ास तौर पर जब आप एक बाइक पर तीन बंदे बैठ के जा रहे हों। हम मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं, इस वक्त हमें हो गया कोई 40-45 मिनट का हम सफ़र कर चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी यक भाई यहाँ से काफ़ी दूर है। हाइकिंग कर रहे हैं यार, मोटरसाइकिल वाला हमारा चला गया। ये हम आपको दिखाते हैं, वो खड़े हैं सफदर भाई। मज़ा आ रहा है यार, अब तक तो अभी ऊपर जाके कैंप शैम्प लगाते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। अभी नहीं, अभी देर है, अभी देर है यार, अभी देर है, अभी काफ़ी देर है। जैसे वो देख ऊपर PSO वाला घूम रहा है। हाँ हम पहुंच गए जी रोंगन पोस्ट पे। अब यहाँ से हमें आगे यक भाई का रास्ता नहीं मिल रहा। अभी हम थोड़ी कंफ्यूजन हुई है हमें कि यक भाई किस तरफ है, और क्योंकि बोर्ड यहाँ पे गिरा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड गिरा हुआ है। अच्छा जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी हमने निकाला अपना बर्तन, हम इसको धोना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमें एक नलका मिला है, यहाँ पे जाते हैं इसको धोते हैं, साफ वगैरह करते हैं, फिर नूडल्स वगैरह बना के खाएंगे। बर्तन धो लिया जी, यहाँ के लोकल हमें मिले थे, बड़े अच्छी तरह से बोले हमसे और गाइड भी किया हमें। यक भाई यहाँ से कोई 25 किलोमीटर आ गए, चलते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि दूध का डब्बा भी गिर गया। अच्छा यार, हमारे साथ अभी हुआ ये है कि हमारा वो फट गया सफ़र, और ये पानी की बोतल आप देख सकते हैं आधी हो गई है। अभी आगे इसको जाके भरते हैं, धोते हैं।